हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। और मैं हूँ राकेश। हाँ, से फेस देख के ही मालूम हो जाएगा आपको मैं आज कौन सा टॉपिक में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेट बैंक का जो डिजिटल अकाउंट है, यानी आपको जो स्टेट बैंक का अकाउंट है उसको आप आपका कंप्यूटर में आप चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है, मैं क्रिएट करना है अकाउंट, वो मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। तो आपको देखिए, आप लोग देखिए, ये देखिए मेरा अकाउंट है, नाम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फर्स्ट में आपको इधर जाके लिखना होगा ऑनलाइन SBI लॉगिन, ये दे दिया तो हो जाएगा। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है। जाने के बाद देखिए, अगर आपका अकाउंट है तो आप तो इधर से लॉग इन कर सकते हो। मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो आपका अकाउंट। तो न्यू यूजर में जाना है, जाने के बाद ओके दबा दीजिए। दबाने के बाद अब न्यू यूजर, तो न्यू यूजर सिलेक्ट करके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इधर आपको 11 डिजिट का मैं एक जो 11 डिजिट का अकाउंट है वो आप डाल दीजिए। तो आपका सिप नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आपका जो ब्रांच नेम, ब्रांच कोड है वो भी डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपका मेरा एक सिंपली दिखाने के लिए डाल जाऊँ। तो आप गेट ब्रांच सिलेक्ट करके भी आप आपका ब्रांच कोड इधर सेट कर सकते हो, और आपका फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए। डालने के बाद आप इधर जाके फुल ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप तो नहीं चाहेंगे मैं अधूरा ही लिखूँ व्यू राइट। इधर से सिर्फ आप आपका अकाउंट का जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। लिमिट ट्रांजेक्शन आप लिमिट कर सकते हो, और फुल ट्रांजेक्शन इसका मतलब आपका अकाउंट का फुल इंक्वायरी आप कर सकते हो इधर जाके। उसके बाद आप इधर जाके कैप्सा डाल दीजिए। डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको OTP आएगा फ़ोन में, तो आप इससे OTP डाल दीजिए। डालने के बाद कंफर्म कीजिए। कंफर्म हो जाने के बाद देखें, एक है आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट। इसके हिसाब से क्या होगा, अगर आपका ATM है तो आपको कोई भी ब्रांच में जाना नहीं पड़ेगा। और आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड, हाँ इसके ई में लिखा है एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। हाँ, अगर ये सिलेक्ट कर दिया तो आपको ब्रांच में जाके ओपन करना होगा। मैं एलॉग सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। आपको सबमिट करने के बाद तो देखिए आपको आ गया। तो आपको ऐसा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कॉन्फर्म दबाना है। उसके बाद देखिए इधर जाके आपका जो कार्ड होल्डर कार्ड नेम होल्डर का नेम ये डालना है। डालने के बाद इधर पिन नंबर डालना है, और उधर जाके मंथ भी डालना है आपका अकाउंट का जो कौन सा में एक्सपायर होगा। हाँ, और इधर ये जो कैप्सा है ये भी इधर डालना है। डालने के बाद प्रोसेस करने के बाद आपको फ़ोन में फिर से एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको अकाउंट में सामने आएगा पासवर्ड सेट करने का तरीका। तो आपके हिसाब से आपका यूजर नेम सिलेक्ट कर दीजिए और पासवर्ड भी सेट कर लीजिए आपके हिसाब से। और आपको कौन से तरह के वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं वैसे उसी तरह की वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए नया वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय।